मनावर नगर में दुकानदारों ने दुकानों के सामने टिन शेड लगाकर अतिक्रमण करने को लेकर नगर पालिका एवं राजस्व विभाग ने अतिक्रमण हटाया, जिसके विरोध में मनावर व्यापारी संघ ने आज अपनी दुकानें बंद रखी। अपनी मांगों को लेकर भाजपा पूर्व विधायक रंजना बघेल व व्यापारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। मनावर नगर में कल अतिक्रमण हटाया, जिसके विरोध में मनावर व्यापारी संघ के आह्वान पर मनावर नगर की संपूर्ण दुकानें प्रतिष्ठान बंद रही, जिसको लेकर मनावर पूर्व विधायक व वर्तमान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना बघेल, कार्यकर्ता व नगर के सभी व्यापारी मनावर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। वह एसडीएम सत्यनारायण दरो से मांग की गई कि अभी रक्षाबंधन अष्टमी का त्योहार चल रहा है, जिसके चलते हमारा व्यापार भी भारी नुकसान हो रहा है। वह शासन से मांग की कि रोड के साइड में लाइन खींच दी जाए, ताकि उस लाइन से हम व्यापारी बाहर व्यवसाय नहीं करेंगे और ना ही अतिक्रमण करेंगे। जिसके पश्चात भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना बघेल ने व्यापारियों की दुकान पर जाकर दुकानें खुलवाई। मैं कैलाश राठौर, होटल का व्यवसाय है मेरा। ये किस संबंध को लेके दुकानें आज बंद? कल नगर पालिका और राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की और बस स्टैंड के अंदर धार रोड पर जो अतिक्रमण हटाया गया, चूँकि रोड पर अगर अतिक्रमण है अगर उसको हटाते हैं तो उसका कोई दुख भी नहीं है, अगर ज़्यादा कहीं है यातायात में बाधा है, लेकिन जेसीबी के माध्यम से जो दुकानें तोड़ी गई थी, जो साहिबान खींचे गए थे, उसमें सटरे लोगों की बाहर आ गई। लोगों का दुकानदार बोल रहे हैं कि आप हमें समय दीजिए, एक घंटे का, हम हमारा अतिक्रमण तोड़ लेंगे। नगर पालिका का कहना है कि हमने मुनादी करा दी गई थी, बाकी हमारा ये कहना था कि आप लाइनिंग पहले कर दीजिए और दुकानदार को बता दीजिए कि आपको इस लाइन के अंदर रहना है। दुकानदार अपनी सीमा फिक्स कर लेगा, उसी के हिसाब से धंधा करेगा। कुछ साहिबान इसलिए लगाए गए थे कि 6 महीने तो गर्मी होती है, 2 महीने बारिश होती है, 8 महीने में उन साहिबानों से सिर्फ दुकानों के अंदर धूप नहीं आए और जो ग्राहक खड़ा है उसकी सुविधा उसे मिले और वो छाँव में आकर अपना काम कर सके, इसलिए साहिबान लगाए गए थे। साहिबान के अंदर कोई व्यापार व्यवसाय भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन एकदम से हटाया जाना, फिर उनको तोड़फोड़ करना, उससे सारे व्यापारी नाराज हुए। उन लोगों ने संयुक्त रूप से मनावर बंद का आह्वान किया और लोगों ने आज अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन प्रशासन द्वारा जब प्रशासन से बात की, पूर्व विधायक रंजना बघेल भी आई थी, उन्होंने भी बात रखी है कि भाई अष्टमी का त्यौहार होने के बाद आप अपनी लाइनिंग कर दीजिए और लाइन के बाहर कोई भी व्यापारी अपना व्यवसाय नहीं करेगा, कोई ना ही कोई रास्ते में बाधक बनेगा जिसके कारण में मनावर में आने जाने वाले लोगों को यातायात में बाधा बने। इस प्रकार से आज बातचीत हुई है और हम सभी व्यापारी लोग अपनी दुकानें वापस खोल रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।